इट्राकोनाजोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है। इसे हम कॉमनली स्किन का इन्फेक्शन, जिसे हम दाद भी कहते हैं, उसमें देते हैं। बट इसके अलावा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन नाखूनों में है, मुंह में है, वजाइना में या इंटरनल ऑर्गन्स में, ये इसमें भी दिया जाता है। इट्राकोनाजोल मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स में अवेलेबल है, जैसे सिंट्रान, कैंडी फोर्स, कैंडिट्रॉल, स्पोरोनॉक्स, फंगीकेम एक्सेट्रा। इट्राकोनाजोल मार्केट में 100 और 200 mg के डोजेज में अवेलेबल है, बट कुछ कंपनीज इसे 400 mg के डोज में भी बनाती है। बट ध्यान रखिए कि प्लीज़ अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आप डोजेज लें। इट्राकोनाजोल को लेते समय इन बातों का ध्यान रखिए। पहली चीज, इट्राकोनाजोल को हमेशा या तो खाने के साथ या खाने के बाद लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप पेप्सी, कोक या नींबू पानी पीते हैं तो आप इट्राकोनाजोल को इनके साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, जितना ज़्यादा एसिड बनेगा, उतना ही बेटर इट्राकोनाजोल का एब्जॉर्प्शन होगा। वैसे तो इट्राकोनाजोल एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है, बट कभी कभी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उन्हें पेट दर्द, उल्टी या उल्टी का मन हो रहा है या रैशेस बन रहे हैं। अगर आपने इट्राकोनाजोल पहले लिया है और आपको एलर्जी हुई है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। अब हम इट्राकोनाजोल से जुड़े कुछ कॉमन सवालों का जवाब देंगे। क्या इट्राकोनाजोल को लेने से लिवर को नुकसान पहुंचता है? नहीं, इट्राकोनाजोल एक बहुत ही सेफ मेडिसिन है। लेकिन अगर आपको लिवर डिजीजेस की हिस्ट्री है, अगर आपको पास्ट में जॉन्डिस हो चुका है या कोई भी लिवर प्रॉब्लम हो चुकी है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए। क्या इट्राकोनाजोल के साथ शराब का सेवन कर सकते हैं? मैं जनरली एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ आप किसी भी एंटी फंगल के साथ शराब का सेवन ना करें। क्या इट्राकोनाजोल एक एंटीबायोटिक है या क्या वो एक स्टेरॉयड है? नहीं, इट्राकोनाजोल ना ही स्टेरॉयड है ना ही एंटीबायोटिक है। इट्राकोनाजोल प्योरली एक एंटीफंगल मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शंस के लिए दी जाती है। क्या हार्ट डिजीजेस में इट्राकोनाजोल ले सकते हैं? अगर आपको किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स पास्ट में हो चुकी है या करंटली आप किसी भी हार्ट डिजीज के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो प्लीज़ इट्राकोनाजोल स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इट्राकोनाजोल काम कैसे करता है? इट्राकोनाजोल एक्ट करता है अर्गोस्टेरॉल पे, जो फंगस के सेल का एक पार्ट है। जैसे ही वो अर्गोस्टेरॉल के प्रोडक्शन को रोकता है, वैसे ही सेल का मल्टीप्लिकेशन भी रुक जाता है और फंगस खत्म हो जाता है, और ऐसे ही ये फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे ज़्यादा जानकारी मिली होगी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MG यूट्यूब चैनल।